हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और मुझे लगता है अभी तक ज़्यादातर लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उनका गोल क्या है, फर्स्ट ग्रेड में जाना है, सेकंड ग्रेड में जाना है या फिर रीट में जाना है। और जिन लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, जो अभी भूले बिसरे हैं, तो उन लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। शायद ये सुनने के बाद आप जल्दी से जल्दी डिसाइड करना चाहेंगे कि करना क्या है। तो स्टोरी शुरू करती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। एक लड़के की स्टोरी है। तो एक शहर में एक लड़का रहता था, फिर उसे धनवान बनना था, पैसा कमाना था खूब सारा। उसके लिए वो खूब सारी मेहनत करता है, कई बिजनेस करता है और अलग अलग तरीके से वो पैसा कमा लेता है। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा हो भी जाता है उसके पास, बट फिर उसे एक विद्वान आदमी मिलता है। तो वो सोचता है कि पैसे में क्या रखा है, मुझे तो विद्वान बनना है, मुझे तो ज्ञान कमाना है। फिर उसके बाद वो विद्वान बनने के पीछे लग जाता है, खूब सारी किताबें पढ़ता है, अलग अलग तरीके से वो ज्ञान अर्जित करता है, बड़े बड़े लोगों के पास जाकर के शिक्षा लेता है, ये काम भी वो कर लेता है। उसके बाद उसे एक संगीतकार मिल जाता है। तो बेचारे का ये काम भी बीच में छूट जाता है, क्योंकि अब उसे संगीतकार बनना था, क्योंकि संगीत एक कला है और संगीत देख करके तो हर कोई खुश हो जाता है, उसकी इज्जत करते हैं, उसे सुन करके सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो उसे भी संगीतकार बनना था, तो वो संगीत के पीछे दौड़ने लग जाता है, संगीत सीखने में लग जाता है। और फिर होना क्या था हमें पता है, वो संगीतकार भी नहीं बन पाता, उस काम को भी वो बीच में आधा अधूरा छोड़ देता है। उसके बाद वो सोचता है कि ये यार मेरी लाइफ में क्या हो गया, मैंने तो इतने सारे सपने देखे थे, इतने बड़े बड़े मैंने सपने देखे थे कि मुझे तो विद्वान भी बनना था, मुझे धनवान भी बनना था, और ये मेरे साथ क्या हुआ कि मैं तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाया। तो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। उसके बाद उसके शहर में ज्ञानी व्यक्ति आते हैं बड़े, वो उसके पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी ये देखिए मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें सोची थी, मुझे तो विद्वान बनना था, बट फिर भी मैंने सारी कोशिशें भी कर ली, फिर भी मैं बन नहीं पाया। तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा इस दुनिया में बहुत सारे भटकाव हैं, जहाँ भी जाओगे हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ आकर्षित करेगी और आप उसके पीछे दौड़ोगे कि मुझे तो ये भी चाहिए। फिर थोड़े दिनों बाद आपको कुछ और दिखेगा, फिर आप उसकी चीज़ें पीछे दौड़ोगे। इस चक्कर में आप ना तो पहले वाली चीज़ आप हासिल कर सकोगे ना दूसरे वाली। तो इस कहानी की सीख यही है कि हमें जितनी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, तो उसके बाद हमें पछताना नहीं पड़ता। ये चीज़ें टाइम रहते डिसाइड की जाती हैं, क्योंकि समय गुजरने के बाद हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो जितनी जल्दी डिसाइड करना है उतना जल्दी डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर एक बार टाइम हाथ से निकल गया तो फिर आपके डिसाइड करने का भी कोई फ़ायदा रहने वाला नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें लगता है कि हम हमारे लिए ये चीज़ सही है, तो एक बार हम उस चीज़ के पीछे जाते हैं, फिर हमें कुछ और अच्छा लगने लगता है, तो फिर हम उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। अगर हम एक ही चीज़ को अपना गोल बनाते हैं और उसी में अपनी जी जान लगाते हैं, तो देर सवेर वो चीज़ हमें हासिल हो ही जाती है। तो एक चीज़ डिसाइड कीजिए और उसके पीछे अपनी पूरी मेहनत लगाइए, और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि तभी आपका फ़ायदा है, वरना तो हो सकता है बाद में पछताना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।